शमशान घाट में बच्चे की चिता बना रही है रोने रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कान में पड़ी तो हरिश्चंद्र पहुंच गए पास में। कौन हो रहा है? अरे यहां पता नहीं किसी का पैरा भी है। कौन है मरगढ़ में? जो हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, तारा तुम यहां क्या कर रहे हैं? बच्चे की लाश देखी तो हरिश्चंद्र पछाल खा के गिर गए। तारा ये कैसे हुआ? रोहिता सार गया, कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर कस के चला गया। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जो होना था वो तो हो गया, क्या तुम्हारे पास टका है? कहने लगी प्रभु इतनी भी मेरे पास दौलत नहीं थी जो मैं कफन ले लेती, अब टका की बात करते हो, कुछ भी तो नहीं है। तो हरिश्चंद्र कहने लगे माफ करना तारा, मेरे महाराज का हुक्म है या बिना टका के मुर्दा नहीं चलेगा, इस बच्चे को उठा और कहीं दूसरी जगह ले जा। तारा ने जवाब दिया प्रभु कई लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे जानता हूं तारा लड़का मेरा है, अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी तो हमारी पत्नी है, ध्यान करना पुराना। कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा गला थोड़ा दे, तारा तू लेकर नहीं मान, तो आज जब मतलब आया तब रिश्ता बताने लगी। तारा मां बोले तू बिरथा लाश से धरे मर गए चुके पर हो ही नहीं तारा जो दूसरे के बच्चों को खाली पता नहीं किस मां की गोदी खाली कर दी।
پتہ نہیں کس کے بچے کو مار دیا، اپنے اپنے بچے دیکھ بھال کے رکھنا۔ جو یہ سب کہے چاروں طرف ہلچل مچ گئی، اب کیا ہوگا؟ کالو مہتر نے ہری سم کو تلوار دی، بولے جا اس راچسی کا مر تمہیں کرنا۔ ہری سم تلوار لے کے بھاگے، آواز لگائی تو تارا اٹھ کر کے بیٹھ گئی مہاراج۔ آپ ہری سم کہنے لگے پاگل عورت تیرا لڑکا مر گیا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ دوسرے کے بچوں کو کھانے لگی۔ کہنے لگی نہیں نہیں مہاراج، مجھے نہیں پتا یہ چھل میرے ساتھ کس نے کیا، کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ ہری سنت کہنے لگے تارا جانتا ہوں تم ایسا نہیں کرو گی، لیکن میں کیا کروں، میرے مہاراج کا حکم ہے، میں تمہیں مارنے آیا ہوں۔ تو تارا رونے لگی، بولی پربھو تم دیکھ کے آ رہے مار ہی دو، کیونکہ یہ دکھ سے بھری زندگی مجھ سے جی نہیں جاتی، اور تمہارے ہاتھ سے اگر میری موت ہوگی تو میرا پرلوک سدھر جائے گا، مار دیجیے مہاراج مار دیجیے۔ شاستری کے بھائی ان کی طرف سے
और एक हार हमारे करीब आया है, 10 रुपया साथियों के करीब आए, ये बंसी वाले, ये रेजुआ के रहने वाले हैं, और कलश वाली बहनों को संतों को भी 10 रुपया भेंट किए हैं। और एक हार हमारे करीब और 50-50 रुपया साथियों को, ये सौर्य गोलू सन और मनोज कुमार फौजी, और ये श्रेया यादव, ये पुत्री मनोज कुमार फौजी, जो इनके यहाँ ये कथा का आयोजन चल रहा है, उनकी तरफ से एक हार और 50-50 रुपया ये है। कामना करेंगे भगवान दीर्घायु देता रहे, ये तो थी सब सूर्य वंश की कथाएं। अब सूर्य वंश की कथा में थोड़ा ग्राम देकर के अब देखते हैं चंद्र वंश को। अब देखते हैं किस तरह से हमारे भारत देश में, भारत देश के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नगर मथुरा में किस तरह से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार हुआ। बहुत सुंदर कथा कन्हैया के जन्म के बारे में देखे। जिस चंद्र वंश की कथा को सुनने के बाद इंसान के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हीं कन्हैया के जन्म के बारे में देखे किस तरह से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार हुआ।